नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में दोस्तों आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 30 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तो इस वीक के करंट अफेयर है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पहली बार किस बोर्ड का गठन किया है तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में पहली बार किस बोर्ड का गठन किया है तो सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक कृषि बोर्ड तो सी ऑप्शन इसका राइट right जवाब है डिटेल जान लेते हैं इसकी कि उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष जोर है इसके लिए सरकार ने पहली बार प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है इसके साथ ही नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर और मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना का भी खाका तैयार कर दिया गया है और जो ये प्राकृतिक कृषि बोर्ड है इसका गठन जो किया गया है इस योजना की घोषणा हो चुकी है तीन नवंबर को तो तीन नवंबर को इस योजना को शुरू करने की घोषणा भी कर दी जा चुकी है दोस्तों इस साल उत्तराखंड करंट अफेयर 2022 की कंप्लीट ई बुक आ चुकी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो जो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण तो करंट अफेयर और उत्तराखंड कंप्लीट 2022 की करंट अफेयर की ई बुक बन चुकी है और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो टॉप में ही आपको लिंक दिख जाएगा तो वहां से आप इस बुक को ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी परिवार पहचान पत्र शुरू की जाएगी तो उत्तराखंड में भी अब बनने वाला है परिवार पहचान पत्र और किस राज्य की तर्ज पर यह बनाया गया है तो सही जवाब हो जाएगा हरियाणा तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है तो हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी परिवार पहचान पत्र शुरू किया जाएगा तो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है इसका लाभ उत्तराखंड के परिवारों तक सीधा पहुंचाने के लिए उत्तराखंड की सरकार बनाने जा रही है विशिष्ट पहचान पत्र तो यह अनिवार्य कर दिया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिवार को और हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना की तरह यहां पर भी बनेगा परिवार पहचान पत्र बनाने की घोषणा की जा चुकी है और यह अब बनेगा और इसलिए अधिकारियों की टीम हरियाणा का भ्रमण किया उन्होंने और वहां से अध्ययन करके ये, वहां से आ चुकी है क्वेश्चन नंबर तीन है निम्न में से उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है तो उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म कौन सी है सही जवाब है कसमकस तो बी ऑप्शन इसका राइट जवाब है उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है कसमकस अब देखिए इसको बनाया है दीपक रावत ने तो दीपक रावत ने शॉर्ट शॉर्ट एनिमेशन फिल्म बनाई है कसमकस अब ये कहाँ के हैं तो ये है आपके सीतापुर सीता सतापपुर कोटद्वार के निवासी हैं और एसबीआई पंतनगर ब्रांच में ये फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत है ये फिल्म अगस्त में रिलीज हुई और ये फिल्म अब तक राष्ट्रीय स्तर पर आठ पुरस्कार जीत चुकी है इसके अलावा चाइना और लंदन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित होने के बाद पुरस्कार के लिए भी चयनित हुई है तो राष्ट्रीय स्तर पर इसने आठ पुरस्कार जीत चुके हैं और ये फिल्म है सात मिनट की और 18वीं शताब्दी के यूरोपियन चित्रकार हैं वेन गो की पेंटिंग तो इससे इस फिल्म ने प्रेरणा ली फिल्म के जो लेखक और निर्देशक है कौन दीपक रावत और इन्होंने बताया कि ये फिल्म किस पर आधारित है एक दंपति पर केंद्रित है जिसमें प्रसव के बाद पत्नी की मौत हो जाती है तो इस पर यह आधारित है ये शॉर्ट फिल्म और नाम है इसका कसम कस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार नवनियुक्त कुलपतियों को शपथ दिलाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है तो शपथ दिलाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है तो देश का ये राज्य बन गया है पहला तो उत्तराखंड में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां अब कुलपतियों को भी शपथ दिलाई जाएगी तो राजभवन में विश्वविद्यालयों में नियुक्त होने वाले जो कुलपति होंगे इनके पद एवं सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी और देश में अभी तक कहीं भी किसी विश्वविद्यालय में कुलपतियों को शपथ दिलाने की परंपरा नहीं है लेकिन उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर यह कार्य किया जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव है किस शहर में एशिया की पहली पैथीजेन रिडक्शन मशीन स्थापित की जाएगी तो ये किस शहर में की जाएगी पहली रिडक्शन मशीन तो ये की जाएगी लखनऊ में तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है और अब देखिए डिटेल जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री योगी ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के में थोरेसिक सर्जरी विभाग वेस्कुलर सर्जरी विभाग एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की प्रथम रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया इसका लो लोकार्पण किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और यह हो जाएगा लखनऊ शहर में पहली एशिया की पहली पैथीजेन रिडक्शन मशीन स्थापित की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है किस देश ने सुल्तान जोहर हॉकी कप दो का खिताब जीता है तो किस देश ने जीता है ये तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत ने तो भारत ने सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है अब देखिए सुल्तान जोहर कप कप में अंडर 21 की टीमें हिस्सा लेती है तो अंडर 21 की टीमें इसमें क्या है हिस्सा लेती है इस खेल में और ये भारत का तीसरा खिताब है इससे पहले भारत ने 2013 और 2014 में यह टूर्नामेंट अपने नाम क्या था टूर्नामेंट जीता था दोस्तों जो ये करंट अफेयर के नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में और वहां आपको क्या करना है प्ले स्टोर में जाना है उत्तराखंड जी के सर्च करना है और टॉप पे आपको मिल जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एस जे ग्रुप का ऐप तो अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो वहां पर उत्तराखंड के हर एग्जाम के संबंधित विशेष नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे वहां से आप इसे रीड कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सात स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के किस पहले मतदाता का हाल ही में 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया तो जो स्वतंत्र भारत का पहला मतदाता और उसका भी हाल ही में 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया है तो उनका नाम क्या है तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी श्याम शरण नेगी तो श्याम शरण नेगी इनका नाम है और ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे जिन्होंने मतदान किया था तो एक वर्ष की आयु में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निवासी थे श्री श्याम शरण नेगी का हाल ही में गांव कल्प तो कल्प इनका गांव है क्वेश्चन नंबर आठ है कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में पांच लाख डॉलर का योगदान करेगा तो कौन सा देश ऐसा है जो आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में पांच लाख का योगदान करेगा पांच लाख डॉलर का योगदान करेगा तो यह है भारत तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा देखिए जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में पांच लाख डॉलर का योगदान करेगा तो ये किसने बताया है विदेश मंत्री जयशंकर ने इन्होंने घोषणा की है और पहली बार ऐसा है कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद रोधी समिति की बैठक है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर हो रही है तो अभी तक ये न्यूयॉर्क में होती थी और अब यह पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर हो रही है और भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद जो रोधी समिति का अध्यक्ष है और इसने 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को मुंबई और नई दिल्ली में दो दिवसीय बैठक की मेजबानी की तो पहली बार क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर हुई और कहा हुई मुंबई और दिल्ली में बोले तो भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्रति व्यक्ति गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है तो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा उत्सर्जन कौन करता है तो कौन सा देश है तो सही जवाब हो जाएगा अमेरिका तो ऑप्शन नंबर सी है देखिए अब ये जो डेटा करता है क्लिक यूरोपीय आयोग और नीदरलैंड पर्यावरण आकलन एजेंसी द्वारा जारी किया गया एडगर डेटाबेस तो इसके अनुसार विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन करने वाला देश है चीन सबसे अधिक कुल मिला लेकिन जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश है अमेरिका जो प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन करने वाला देश है वो अमेरिका है लेकिन विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश है चीन लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से अमेरिका है क्वेश्चन नंबर दस है हाल ही में रानीपुर को किस राज्य का चौथा और देश का त्रेपनवा टाइगर रिजर्व बनाया गया है तो किस राज्य का है रानीपुर तो यह है आपका उत्तर प्रदेश तो बी ऑप्शन है तो रानीपुर उत्तर प्रदेश का चौथा और देश का यह त्रेपनवा टाइगर रिजर्व बनाया गया है तो सही जवाब है बी ऑप्शन तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है यह भारत का त्रेपनवा बाघ रिजर्व बनेगा और यह राज्य में चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है ये टाइगर रिजर्व और इससे पहले दुधवा पीलीभीत और अमनगढ़ ये तीन टाइगर रिजर्व यहां स्थित हैं उत्तर प्रदेश में उसके बाद चौथा बन गया है टाइगर रिजर्व रानीपुर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य के एकता नगर में देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है तो मियावाकी एक प्रकार का जंगल है तो भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है तो सही आंसर इसका है गुजरात तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा तो गुजरात में भूल भुलाया गार्डन और मियावा की वन का उद्घाटन किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में जहां पर 122 मीटर ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इसके पास ही भूल भुलाया उद्यान और साथ में मियावा की वन का उद्घाटन किया है क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में देश के स्टील मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है तो स्टील मैन के नाम से जाने जाने वाले किस व्यक्ति का अभी हाल ही में निधन हो गया है तो इनका नाम था जमशेद जे ईरानी तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है तो जमशेद जे ईरानी का हाल ही में निधन हो गया है और ये देश के स्टील मैन कहे जाते थे तो टाटा स्टील के ये पूर्व प्रबंध निदेशक हैं और निदेश निदेशक थे और भारत के स्टील मैन कहे जाते थे जमशेद जे ईरानी इनका जमशेदपुर में निधन हो गया और ये इस टाइम छियासी वर्ष के नंबर तेरह है किस शहर में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा तो उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा तो सही ग्रेटर तो नोएडा तो, में उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा तो ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर योटा डी तो योटा डी इसका नाम है का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जाएगा तो कहां पर है मानगढ़ धाम स्थित तो यह है राजस्थान में इसे अब राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है किस स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है तो इस स्पेस स्पेस एजेंसी का नाम है एक्स एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स कंपनी सही आंसर है डी तो एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा में फाल्कन को लॉन्च किया है और यह स्पेस एक्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट को पहली बार लॉन्च किया इससे क्या किया जाएगा अमेरिका स्पेस फोर्स के सैटेलाइटों को भेजा जाएगा तो अमेरिकी जो स्पेस फोर्स है इसके सैटेलाइटों को भेजा जाएगा और फ्लोरिडा से इन्होंने इसे लॉन्च किया एलन मस्की है एलन मस्क की कंपनी है इसका नाम है स्पेस एक्स क्वेश्चन नंबर सोलह है उच्च शिक्षा क्षेत्र के नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा हर वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है तो यूजीसी ने हर वर्ष भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा कब की है तो किस दिन मनाया जाएगा तो ये मनाया जाएगा आपका 11 दिसंबर को डी ऑप्शन तो हर वर्ष 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है यूजीसी ने और प्रत्येक विश्वविद्यालय को यह निर्देश जारी किए उच्च शिक्षा नियामक जो यूजीसी है इन्होंने कहा कि भारत में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल 11 दिसंबर को भाषा सद्भाव बनाने और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूलन माहौल विकसित करने के लिए भारतीय भाषा दिवस मनाना चाहिए तो 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 है किस राज्य द्वारा ट्रैक एशिया कप दो की मेजबानी करने की घोषणा की है तो कौन सा राज्य है जो ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा तो सही जवाब है इसका केरल तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है तो केरल राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा तो केरल साइकिलिंग के सबसे बड़े जो टूर्नामेंट है इनमें से एक है ट्रैक एशिया कप तो ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा और इस प्रतियोगिता में एशिया के 25 से अधिक देशों के लगभग 200 प्रतिस्पर्धी हिस्सा लेंगे तो 25 से अधिक देशों के लोग इसमें भाग लेंगे और लगभग 200 सौ प्रतिस्पर्धी इसमें भाग लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है तो किस राज्य में विश्व का जो सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय है वो बनाया जा रहा है तो ये कहां बनाया जाएगा गुजरात में तो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 है देश में पहली बार सी में आईजी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है तो देश में जो पहली बार सी की बात हो रहा है और इसमें आईजी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है तो इसका सही जवाब है सीमा ढूंढिया डी ऑप्शन इसका सही जवाब है तो सीमा ढूंढिया बन गई है सीआरपीएफ में आईजी पद पर नियुक्त होने वाली पहले महिला तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए और उत्तराखंड करंट अफेयर 2022 की जो ई बुक है इसको आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है तो वहां से आप इसे ले सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद